हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा। संसद के सेंट्रल हॉल में खुशनुमा माहौल था, नीतीश ने तारीफ की, नायडू ने बेस्ट पीएम बताया। I have seen so many government. Narendra Modi ji is having a vision, and also is having a dream, and also is the execution. Today, India is having the right leader, right time. That is Narendra Modi ji. अब बारी सरकार में हिस्सेदारी की है, इसलिए शपथ से पहले बयानबाजी का दौर भी तेज हो चुका है। पूर्व सांसद और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबियों में शुमार आनंद मोहन ने बिहार के हिस्से रेल मंत्रालय देने की मांग की, बकायदा दलील भी दी। अभी तो एनडीए की सरकार ही बन रही है, लेकिन नीतीश कुमार हैं जरूरी। और मैं सुन रहा था, कहीं देख रहा था कि आपने रेल मंत्रालय वाली डिमांड भी रख दी है। नहीं, मैंने डिमांड नहीं रखी, डिमांड रखने का मेरा ये अधिकार क्षेत्र नहीं है। डिमांड जो करेंगे हाईकमान करेंगे पार्टी के, जैसा कि आप सबने खबर चलाई कि जेडीयू की तरफ से रेल मंत्रालय मांगा जा रहा है, कृषि मंत्रालय मांगा जा रहा है, वित्त मांगा जा रहा है, उसी के साथ साथ भूतल परिवहन, ये आप ही लोग सवाल उछाले, आप ही हमारे मुंह से डलवा रहे हैं कि आनंद मोहन जी ने मांगा। मैं कौन होता मांगने वाला, लेकिन मैंने कहा कि अगर ये मंत्रालय जेडीयू मांग रही है, ये मांगे उनकी हैं, तो जायज। आनंद मोहन बिहार के शिवहर से जेडीयू की सांसद चुनी गई लवली आनंद के पति हैं। इस बीच जेडीयू नेता केसी त्यागी ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बड़ा दावा किया है, कहा कि इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर मिला था। नीतीश कुमार जी बहुत कैटेगरिकली थे कि हम दाएं बाएं कहीं नहीं, अब एनडीए का हिस्सा हैं, इसी को मजबूत करेंगे। चर्चाएं तो क्या, सच बात तो ये है कि जो नीतीश कुमार जी को संयोजक पद के लिए तैयार नहीं थे, वो अब उनको प्रधानमंत्री के ऑफर दे रहे हैं, यद्यपि ऐसी किसी भी प्रस्ताव को हम रिजेक्ट कर चुके हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद का ऑफर कहाँ से आ गया और किसने दे दिया सर? इंडी गठबंधन के कई नेताओं ने ये प्रस्ताव दिया है कि अगर नीतीश कुमार जी को हम प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार। केसी त्यागी के दावे को लेकर कांग्रेस ने भी जवाब देने में देर नहीं की। कांग्रेस ने क्लियर कहा कि उसे इसकी जानकारी नहीं है। केसी त्यागी ने एक बड़ा बयान दिया है, उन्होंने ये दावा किया है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया था। इस बयान पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है? उसी तरफ जानकारी हमारे पास नहीं है। क्या ऑफर खुला है? आपको जवाब मिल गया। सियासत है, शपथ ग्रहण तक होती रहेगी, लेकिन ये भी सच्चाई है कि बहुमत से 32 सीटें दूर बीजेपी को 272 के आंकड़े को पार करने के लिए सहयोगियों की जरूरत है। इनमें 12 सीटों वाले जेडीयू के साथ 16 सीटों वाली टीडीपी शामिल है। जाहिर है बीजेपी सबसे पहले बड़े पार्टनर्स को साधेगी, जिनके छिटकने का डर कम हो या बार बार उनसे डीलिंग न करनी पड़े। इनमें सबसे बड़ा नाम टीडीपी का है। एनडीए में बीजेपी के बाद टीडीपी के पास ही सबसे ज्यादा सांसद हैं, इसलिए मंत्री भी उसी के ज्यादा होंगे। टीडीपी से 4 मंत्री बनाए जा सकते हैं। फिलहाल मंत्री पद के लिए श्रीकाकुलम सीट से जीते राम मोहन नायडू, गुंटूर से जीते पेम्मा सानी चंद्रशेखर और नरसारावपेट से जीते एल श्रीकृष्ण देवरायलू का नाम तय है। विशाखापट्टनम से जीतने वाले श्री भरत को भी जगह मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर ये भी है कि मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली टीडीपी की नजर कई अहम मंत्रालयों पर है। इनमें बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय शामिल है। इसके बदले में टीडीपी आंध्र प्रदेश में बीजेपी को 4 मंत्रालय देने पर विचार करेगी। यही नहीं, टीडीपी राज्य के लिए विशेष पैकेज की मांग और अमरावती के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता भी मांग सकती है। ये और बात है कि इसे लेकर अभी तक फाइनल फैसला नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि टीडीपी के साथ ही
कर्नाटक में बीजेपी के सहयोगी जेडीएस को भी मंत्री पद मिल सकता है। जेडीएस सांसद एचडी कुमारस्वामी को मंत्री बनाया जा सकता है। केरल में बीजेपी को पहली सीट दिलाने वाले सुरेश गोपी भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। नई कैबिनेट में दो महिला मंत्री भी शामिल की जा सकती है। ओडिशा से अपराजिता सारंगी के कैबिनेट में आने की पूरी संभावना है। सारंगी भुवनेश्वर से लगातार दूसरी बार सांसद चुनी गई है। दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। तेग देवतुल्य मतदाता के प्रति जिन्होंने भाजपा का चयन करा है, इस जीत का पूरा श्रेय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता और उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं को जाता है। 100 दिन का पूरा एक्शन प्लान तैयार है, उसके लिए एक विस्तार से प्रेस वार्ता कर आपको जरूर बताऊंगी। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में अधिकतम 71 मंत्री और दूसरे कार्यकाल में अधिकतम 72 मंत्री थे। हालांकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की सभी मांगे मानना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन नीतीश और नायडू पहले भी एनडीए सरकार में रह चुके हैं, इसलिए दोनों को मनाना ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या मंत्रिमंडल का फॉर्मूला सहयोगियों को कबूल होगा। तो इसलिए लिमिट हमारे पास 79 की है कि राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदस्य को मिलाकर के उसकी संख्या बनती है 79। तो बीजेपी के पास लगभग इस वक्त 340 के करीब MPs बनते हैं दोनों सभाओं के मिलाकर के, तो लगभग उनको 60% के मंत्रिमंडल का पद बीजेपी के सदस्यों को मिलना चाहिए, बाकी 35% जो है अपोजिशन को मिलेगा। नहीं देखिए, पहले भी मोदी जब 2014 में बने थे, जब 2019 में बने, तब भी एक फार्मूला तय हुआ था कि कितने MP पर एक मंत्रालय मिलेगा। तो 2019 में बीजेपी की सीटें बहुत बढ़ गई, तो ये तय हुआ जितने एलाइज है सबको एक एक मिनिस्ट्री मिलेगी। इस बार जो है गठबंधन की सरकार है, बीजेपी की का अपना बहुमत नहीं है, तो इसलिए तय होगा कि कितने सांसद पर एक मंत्रालय मिलेगा, वो उसका एक फार्मूला बनेगा, उसी के हिसाब से बंटवारा होगा। कई दल ऐसे हैं जिनके मंत्री सांसद ही एक है, अनुप्रिया पटेल है, हम हैं, जीतन राम मांझी है, पवन कल्याण के दो हैं, तो उनके लिए भी कुछ कुछ अलग तरीके का फार्मूला काम में लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर सहयोगी दलों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, क्योंकि वो उसके स्थायित्व के लिए ज़रूरी है। छोटे छोटे दल अभी जो राजनीतिक स्थितियां हैं वोलेटाइल जो है उसमें दूसरी तरफ भी जा सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है कि अपने कुछ मंत्री कम रख लें, लेकिन सहयोगी दलों को सेटिस्फाई करना जरूरी होगा, ये उसकी प्राथमिकता रहेगी। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार मिलीजुली सरकार बनने जा रही है। निश्चित रूप से इस बार नई चुनौतियां होंगी, लेकिन जिस विश्वास के साथ प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं, लगता है मिलीजुली सरकार को भी अच्छी तरह चला लेंगे। राजनीति में कब मुलायम होना है और कब कठोर, प्रधानमंत्री मोदी अच्छी तरह जानते हैं।